अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ेबास किचन। आज मैंने बनाया है चिकन एग समोसा। तो चलते हैं फिर बना लेते हैं समोसा। तो सबसे पहले आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए, ये मैंने रेडीमेड शीट लिया है समोसे का। मैंने एक फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल ऐड कर लिया है। उसमें मैं ऐड कर लूँगी कांदा और हरी मिर्ची, ऑनियन और हरी मिर्ची चॉप्ड किया हुआ, बारीक बारीक चॉप्ड किया। अभी इसे मैं तेल में अच्छे से भून लूँगी, फ्राई कर लूँगी। जैसे ही थोड़ा अच्छे से फ्राई हो जाता है, मैं इसमें डाल दूँगी आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। हाँ, इतना ही डालना है, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें हमें अच्छे से भून लेना है, किसका कच्चापन जो भी है वो चला जाए। ये मैंने मिक्सर ग्राइंडर में जो 200 ग्राम तक का चिकन था बोनलेस, वो मैंने कीमा बना लिया है उसका। और इसे भी इसमें ऐड करके मैं अभी इन सबको अच्छे से, जब तक हमारा चिकन का कलर अलग नहीं हो जाता, चेंज नहीं होता, भूनते रहूँगी। अब देखिए, ये अच्छे से भुना गया है। अब इसमें डाल देंगे पाउडर मसाला। ये है धनिया पाउडर 1 चम्मच, मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, टेस्ट के हिसाब से आप बनाइएगा। हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1/2 चम्मच, नमक हैज पर टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और अभी इसे जो है अच्छे से, हम पानी नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हमें मसाला सूखा सूखा ही रखना है, इसके तेल के हिसाब से ही हम भूनते रहेंगे इसमें। देखिए, इस तरीके से अच्छे से मिक्स करते रहिए। देखिए, अब जो है इसमें ऊपर से हमें डालना है, ये है आमचूर पाउडर और आधा नींबू, आधे से भी आधा नींबू, पाव नींबू था उसको मैंने डाला है इसमें। अच्छा टेस्ट आएगा, थोड़ा अच्छे से खटास। आप इसे अच्छे से मिक्स करते 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 हमें चिकन को और मसालों को भूनते रहना है। अब हम डाल देंगे कोथमीर, ये आधी बाटी कोथमीर थी, ये पूरा मैंने डाला है। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। कोथमीर का टेस्ट हर एक चीज़ में बहुत अच्छा आता है। तो अभी इसे भी अच्छे से हम पलट पलट करके मिक्स करते रहेंगे, और पानी ज़रा भी यूज़ नहीं करना है हमें। अब जो ये 2 अंडे फ्राई करके रखा था मैंने, वैसे भुर्जी जैसा बना के रखा था, सिर्फ नमक डाल के अंडे को भुर्जी बनाया, ये भी इसमें मिक्स कर लूँगी अच्छे से। चिकन खीमा और ये जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। अब देखिए, एकदम परफेक्ट रेडी हो गया है हमारा मसाले के साथ हमारा समोसे का बैटर। अब जो है हम इसे ठंडा होने देंगे। मैंने समोसे की पट्टी ले लिया है, मैंने आपको बताया था रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ मैं। इसे अच्छे से फोल्ड करके इस तरीके से हमें बनाना है। अपने हिसाब से आपको समोसा का कितना डालना है मसाला, कितना समोसा, वो ज़्यादा मसाले वाला खाना है ज़्यादा खाइए, मैं इतना ही डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें नहीं बोल के 10 से 12 समोसे बनाना है। और इसे ऐसी, और मैंने जो है मैदे के आटे का घोल बना लिया है, इसे चिपकाना है हमें। अब इसे मैं स्टिक कर लूँगी इससे। देखिए, पहले जब मैं समोसा बनाती थी ना बहुत पहले, तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता था, आता भी नहीं था। देखिए, अभी एकदम परफेक्ट बनता है। एक बार मैं ना मैदे का आटा कला के उसके थ्रू भी फ्राई करूँगी। तो कैसे ही करके पहले से ही मैं समोसे बनाने स्टार्ट करती थी। मैंने अपने समोसे रेडी कर लिया है एकदम से। देखिए, अब जो है मैं चलती हूँ फ्राई पैन की ओर। तेल गर्म करने रख दिया है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, मैं आंच को स्लो कर दूँगी, फ्लेम को स्लो कर दूँगी, और हमारे जो समोसे एक एक करके मैं उसमें ऐड कर लूँगी। एक वक्त पे एक फ्राई पैन पे, ये फ्राई पैन में 6 समोसे हम फ्राई कर सकते हैं। और क्या, जल्दी जल्दी समोसे फ्राई होते हैं अगर तेल गर्म रहता है ना, फटाफट फटाफट समोसे फ्राई होंगे। देखिए, अब देखिए जगह बन गया ना, 6 समोसे 5 समोसे तक का फ्राई होता ही है, और समोसे जल्दी फ्राई होता है। अभी इसे ऐसे ही पलट पलट करते करते देखिए, अब इसका कलर चेंज होगा और समोसे हमारे एकदम से मस्त फ्राई हो जाएंगे, और कुरकुरित कुरकुरित समोसे लगते हैं, मज़ेदार। देखिए, जैसे ही तेल गर्म होते रहता है ना, कलर फटाफट चेंज होता है इसका, माशाल्लाह। देखिए, अभी हमारे समोसे हो रहे रेडी। अब मैं इसको छन्नी की मदद से तेल को ऐसे निकालते निकालते अभी इसे जो है टिश्यू पे डाल दूँगी। देखिए, मेरे समोसे रेडी हो गए हैं माशाल्लाह। देखिए, एकदम परफेक्ट रेडी हुए ना। अब मैं आपको इसे जो है सॉस के साथ सर्व करके बता देती हूँ। देखिए, एकदम टेस्टी। ऐसी ही मेरी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब और मेरे रेसिपीज़ को शेयर करने मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, बी सेफ, स्टे होम।